देखिए, जैसे आपको पता है कि अभी दिल्ली में पानी का गंभीर संकट चल रहा है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में बहुत सीवियर हीट वेव है, पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, लेकिन हरियाणा से पानी कम आने की वजह से अभी दिल्ली में तकरीबन जो 1000 MGD पानी का प्रोडक्शन होता है उससे 40-45 MGD पानी का प्रोडक्शन कम हो रहा है। दिल्ली वाले काफी परेशान भी हैं। तो इस परिस्थिति में हमारे लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कहीं पर भी एक बूंद भी पानी वेस्ट ना किया जाए। तो हमने दिल्ली जल बोर्ड की टीम्स के साथ, दिल्ली जल बोर्ड में ऑलरेडी कुछ पेट्रोलिंग टीम्स होती हैं, जो ये सारा ये मेन वाटर पाइपलाइन का नेटवर्क है जो आप देख रहे हैं, ये सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आ रहा है, ये राइजिंग मेन्स हैं जो साउथ दिल्ली की तरफ जा रही हैं। इससे आपका पूरा जंगपुरा का एरिया, निजामुद्दीन का एरिया, जीके का एरिया, ये पूरा साउथ दिल्ली का एरिया इस राइजिंग मेन से वाटर सप्लाई पाइप से प्रोवाइड होता है। इसी तरह की मेजर पाइपलाइन सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकल रही हैं। तो इसलिए हमने जो दिल्ली जल बोर्ड की पेट्रोलिंग टीम्स हैं, उसके साथ साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ADMs, STMs की भी जिम्मेदारी लगाई है जो इस सारी पेट्रोलिंग को करेंगे। तो आज मैं भी सब ऑफिसर्स के साथ आई हुई हूँ देखने के लिए कि कहीं पर भी इस पानी की कमी की परिस्थिति में भी एक बूंद भी पानी दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से वेस्ट नहीं होना चाहिए। बाकी हम इस बारे में भी प्रयासरत हैं कि हरियाणा से हमें, हिमाचल से हमें एक्स्ट्रा पानी मिले, क्योंकि अभी की परिस्थिति में जब पानी कम हुआ है तो पानी के प्रोडक्शन पे असर पड़ा है। देखिए आपको इस बात को समझना होगा, दिल्ली में 1000 MGD पानी का प्रोडक्शन होता है। अगर आप दिल्ली के जल बोर्ड के सारे टैंकर, जो अभी 1100 टैंकर डिप्लॉय होते हैं, वो दिन में 6 से 8 ट्रिप करते हैं, ये सारा टैंकर्स में जितना पानी इस्तेमाल होता है वो करीब 5 MGD पानी है, यानी 5 MGD 1000 MGD में से, यानी 0.5% जो दिल्ली के पानी का प्रोडक्शन है। टैंकर माफिया पे बिल्कुल लगाम कसी जानी चाहिए, चाहे वो हरियाणा के बॉर्डर के पार है, चाहे दिल्ली के अगर इस पार है तो हम हरियाणा पुलिस से भी कहेंगे, दिल्ली पुलिस से भी कहेंगे लगाम कसे। लेकिन उससे समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि अगर लगाम कसी भी जाती है तो आप 0.5 MGD पानी बचा लेंगे, आप 0.75 MGD पानी बचा लेंगे, आप 1 MGD पानी बचा लेंगे, लेकिन जो 40 MGD पानी की कमी है वो यमुना में सिर्फ एडिशनल वाटर से पूरी हो सकती है। अगर एडिशनल पानी नहीं आएगा तो चाहे हम कितने भी मेजर्स अपनी तरफ से ले लें, आज दिल्ली सरकार के सारे विभागों को ग्राउंड पे उतार दिया गया है दिल्ली में पानी की कमी को रोकने के लिए, पानी की वेस्टेज को रोकने के लिए, पानी की वेस्टेज को चालान करने के लिए, पानी की पाइपलाइन को, पानी को रोकने के लिए। लेकिन 40 MGD पानी की कमी सिर्फ इससे पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए हमारा सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह है, आज सुप्रीम कोर्ट में भी हियरिंग है, कि वो हरियाणा और हिमाचल के माध्यम से मात्र अगले 20 दिन के लिए, अभी दिल्ली लॉन्ग टर्म के लिए कोई सोल्यूशन नहीं चाह रही है, अगले 20 दिन की हीट वेव के लिए हम चाहते हैं कि हमें एडिशनल पानी मिले कि दिल्ली वालों की परेशानी